आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से ये कार्यकर्ता दौड़ रही है। एक्सक्लूसिव विजुअल है, जसप्रीत आप ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, ये यूपी भवन की ओर बढ़ते हुए हैं और लगातार झंडा लेकर ये आगे आगे बढ़ रही महिला कार्यकर्ता है। लगातार हमने उनको फॉलो किया है और इसके बाद ये और भी कार्यकर्ता हैं। हम और हमारे कैमरा पर्सन पंकज गोसाई मौजूद हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए। एक जो एक स्टेज है वो पार कर लिया है और दूसरा जो बैरिकेड है उस तक आने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन है और इस तरीके से महिला कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पार करते हुए आगे आ रहे हैं। तमाम प्रकरण है इस किसान आंदोलन के और ये भी एक अलग ही प्रकरण है। हम इनसे बात करते हैं। कुछ लोग क्यों आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं, आप क्यों आए मैडम, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, आप लोग क्यों आए हैं? देखिए ऐसा है, एक साल से किसान बैठा है रोड पे और मोदी सरकार क्या कर रही है, किसानों को आए दिन मरवा रही है किसी न किसी बहाने से। कल क्या किया, रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रजातंत्र है, सत्ता हक है प्रोटेस्ट करने का, किसका नहीं है कि उनके मंत्री जी के बेटे की गाड़ी से रोंग दिए गए, छह किसानों की मौत हुई, हमारी प्रियंका जी को रास्ते में क्यों रोका, ये और क्यों किया। देखिए प्रियंका जी उनसे मिलने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बेशक आपने सवाल पूछा था, लेकिन खबर का ये दूसरा पहलू ये है और किसान आंदोलन से जुड़े जो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आप ये देख सकते हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की दिल्ली में धौला कुआं सरदार पटेल यूपी भवन के सामने मुद्दा है किसानों का विरोध प्रदर्शन में जो मौत हुई थी उसको लेकर। आप देख सकते हैं कि जो महिला कार्यकर्ता है अब दूसरे बैरिकेड को पार करते हुए वो लगातार यहाँ पर वो बैठ गई है। हंगामा है जो उत्तर प्रदेश में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, लेकिन इसकी जो गूंज है वह दिल्ली में भी दिखाई देने को मिल रही है और ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं है। हम आपको बता रहे हैं इससे पहले आरएलडी समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने भी इसी जगह पर कुछ देर पहले विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब यहाँ पर आ गए हैं, दो स्टेज उन्होंने बैरिकेड इसको क्रॉस कर रखा है। बहुत बड़ी ये जो गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं। तमाम राजनीतिक दल और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे, तो एक और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है तो दूसरी ओर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वह देखा जा सकता है। बताइए जिस प्रकार से निर्मम किसानों की यूपी के अंदर हत्या करी गई है ये इस बात को दर्शाता है कि आने वाला देश का भविष्य खतरे में है, आवाज उठाने का आदमी खतरे में है। अगर आपके पेट के लिए कल के लिए देश को गुलाम होने से बचाना चाहते हो तो इस बीजेपी सरकार और तीनों काले कानून के खिलाफ आवाज उठाए। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा का पूरा मामला है, अदालत में सुनवाई चल रही है, इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो इसका मतलब है जो विरोध कर रहा है उस पर गाड़ी चढ़ा दीजिए। क्या इस हिंदुस्तान के अंदर यही होगा कि आवाज उठाने वालों को अपनी गाड़ी से बीजेपी के नेता रोन देंगे? ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। योगी जी मोदी जी इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए, ये चेतावनी है आपके लिए, ये देश आपको उखाड़ के फेंक दे। बसे लग चुकी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मैं बता दे रहा हूँ कि अगले कुछ मिनटों में बहुत हलचल यहाँ पर होने वाली है। लगातार राजनीतिक पार्टियों का यूपी भवन में, उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली उत्तर प्रदेश भवन के सामने विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक एक कर राजनीतिक पार्टियों को हिरासत के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। क्यों ये जगह महत्वपूर्ण होने वाली है हम आपको बताते हैं। देखिए तस्वीरों के जरिए कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और इसके बाद अब सुरक्षा बल इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और पीछे जो बस है वो बस लग चुकी है। तो एक तरीके का उपापोह का माहौल है और तमाम सुरक्षा बल है। हम यहाँ पर जितने भी नियम कानून है उनका पालन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों में जो हलचल है वह आप साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरीके से जल्दी जल्दी करके सुरक्षा बलों को बुलाया जा रहा है, यानी कि पुलिस को। बिल्कुल अमित, देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और नेताओं को ये समझना होगा, इस मामले की संवेदनशीलता को समझना होगा कि लोगों को ना उकसाए, किसानों को ना उकसाए, फूक फूक कर कदम रखने चाहिए इस संवेदनशील मामले में। जी बिल्कुल, लोगों को समझना होगा और ये जो जिम्मेदारी है, चाहे जनता है, चाहे राजनीतिक दल है, चाहे शासन है जसप्रीत, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन लगातार हर देखे आप एक तस्वीर देखे,
किस तरीके से ये उठाकर ये ले जाया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इसी तरीके से तो ये शासन के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से निपटा जाए, वार्ता करके चाहे इस तरीके के, ये उनको तय करना है, उनका काम है, सर्वोच्च न्यायालय का काम जो है उनकी सारी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें कही हैं। और ये शासन है जो ये इस तरीके की ऐसे जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं उसको हैंडल कर रहा है, तो ये इनका विवेक है, प्रशासन का, शासन का, व्यवस्था का, सिस्टम का, या पूरा ये पूरा काम करने का तरीका है, और ये उनको तय करना है। और सर्वोच्च न्यायालय जो इस पर उचित समझेगा वो टिप्पणी करेगा, लेकिन इस तरीके के जो विजुअल्स है सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप ये देख सकते हैं, एक एक करके कार्यकर्ताओं को इस तरीके से लाया जा रहा है और बस में ले जाया जा रहा है लगातार, पहले समाजवादी पार्टी, युवक जनसभा, राष्ट्रीय लोकदल, और अब यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तीन राजनीतिक दल हो गए हैं, अभी दो राजनीतिक दल है वह और आएंगे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने, तो साफ तौर पर इनका जो विरोध प्रदर्शन है ये देखा जा सकता है। लखीमपुर प्रकरण, किसान आंदोलन प्रकरण की आज के दिन सोमवार के दिन जो आज है वह हर जगह यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हम आपको एक और तस्वीर दिखा सकते हैं, देखिए कांग्रेस के बाद यह चौथा राजनीतिक दल है, वाम दल हैं कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आई हैं, तो ये चौथा राजनीतिक दल है और अब यहाँ पर विरोध बिल्कुल अमित देखिए यहाँ पर सियासत का घी डाला जा रहा है न्यूज 18।